नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शाइनिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। और आज मैं एक बार फिर से लेकर के आया हूँ खेल कूद से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने 50 क्वेश्चंस अपलोड किए थे, ये पार्ट टू है, इसमें भी लगभग 70 क्वेश्चन होंगे और एक और पार्ट थ्री भी आएगा जिसमें भी लगभग 70 क्वेश्चन होंगे। ये तीनों सीट्स अगर आप कर लेते हैं तो स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप आराम से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट टू। तो पहला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और खो खो, इन खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट। क्रिकेट तथा रग्बी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पिच। क्रिकेट का आपको पता ही है, पिच कहा जाता ही है, लेकिन रग्बी एक फुटबॉल का एक पार्ट है, एक मतलब वर्जन है फुटबॉल का, उसको भी पिच कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसबॉल तथा खो खो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ, बेसबॉल और खो खो प्रत्येक पक्ष में 9-9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। स्केटिंग का मुक्केबाजी खेल परिसर को क्या जाता है? रिंग, स्केटिंग रिंग, बॉक्सिंग रिंग। याद करने के लिए बेहतर तरीका है ये, देखते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, इसको रेंज कहते हैं, शूटिंग रेंज। ओके, वाटर पोलो और कबड्डी, जी हाँ, वाटर पोलो और कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। क्रिकेट खेल से संबंधित वानखेड़े, बेबॉन स्टेडियम, ये सब मुंबई में है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जी हाँ, आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। ओके, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पता ही है, एसेस जो होता है गेम, एसेस कप जो क्रिकेट से रिलेटेड है, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्रिकेट इनसे आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। ओके, नेताजी स्टेडियम, संजीत सिंह स्टेडियम और ईडन गार्डन, जी हाँ, ये कोलकाता में है। डेड हीट, स्टैंड, डिच, स्टैक्स, जॉकी और पीटर, ये किस खेल से संबंधित है? तो अगर आपने मेरे पिछला वीडियो देखा होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसको मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था डिच और जॉकी के बारे में और डेड हीट के बारे में। तो ये तीनों जो है वो हॉर्स रेसिंग यानी कि घोड़दौड़ से संबंधित है। चाइना मैन, स्ट्रॉक, पॉपिंग क्रीज, हुक तथा स्विंग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। एक और चीज़ जो संबंधित है क्रिकेट से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है नाइट वॉचमैन। जी हाँ, एक वर्ड है नाइट वॉचमैन, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। एजरा कप तथा राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो। चलिए, संतोष कप, डूरंट कप, रोवर्स कप, DCM ट्रॉफी, सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। घुड़सवारी खेल परिसर को क्या कहा जाता है? एरिना। जी हाँ, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी, और रग्बी एक फुटबॉल का पार्ट है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं एक पार्ट एक पक्ष में। ओके, भाईचंद भूटिया, शिशिर घोष, रोनाल्डो, ये सब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। ध्यानचंद, दिलीप तिर्की, वॉकर फील्ड, जोगर सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी। देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। चलिए एक और हमारे जो क्वेश्चन देखते हैं। बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, पॉन तथा ग्रैंड मास्टर, ये किस खेल से संबंधित है? तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था मैंने, तो मैंने उसमें ये सारे टर्म्स के बारे में बताया हुआ है। आंसर होगा शतरंज। बुल फाइटिंग, जी हाँ, बुल फाइटिंग किस खेल किस देश से रिलेटेड है? तो है स्पेन। आगे बढ़ते हैं। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल USA का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन का राष्ट्रीय खेल किस देश का है? जी हाँ, बैडमिंटन मलेशिया का है। लॉन टेनिस तथा बैडमिंटन खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ, तो इसमें आप याद रखने के लिए देखिए, सिंगल्स और डबल्स, लॉन टेनिस में भी सिंगल्स एंड डबल्स होते हैं, बैडमिंटन में भी सिंगल्स एंड डबल्स होते हैं, तो यानी कि प्रत्येक पक्ष में एक खिलाड़ी भी हो सकता है, यानी कि सिंगल्स, और डबल्स यानी कि दो हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जसपाल राणा, अंजलि भागवत, राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, ये किस खेल से संबंधित है? तो जी हाँ, शूटिंग निशानेबाजी से। उबेर कप, सुधीरमन कप, थॉमस कप, कोनिका कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो जी हाँ, बैडमिंटन। बताते चलें,
ये थॉमस कप जो है ये मेन यानी कि मर्दों के लिए है और उबेर कप जो है वो आपके वुमेन के लिए है। आगे बढ़ते हैं, सानिया मिर्जा, रोजर फेडरर, लिएंडर पेस तथा महेश भूपति किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ये टेनिस से संबंधित है और टेनिस में भी कौन सा? लॉन टेनिस। चलिए, गीत सेठी एंड पंकज आडवाणी ये स्नूकर्स यानी सॉरी बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स से संबंधित है। अब देखते हैं कि रशिया का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, जापान का कौन सा है और चीन का कौन है। तो रशिया का राष्ट्रीय खेल है चेस, जापान का जूडो और चाइना का टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, 22 गज यानी कि 20 मीटर। आगे, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। क्रिकेट गेंद का भार कितना होता है? लगभग 156 ग्राम। बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? 8 फुट 8 इंच। क्रिकेट का प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1971 में खेला गया था। जी हाँ, एसेस कप की शुरुआत हुई थी इस दिन और ये है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। प्रथम विश्व कप क्रिकेट मैच कब हुआ? जी हाँ, 1975 में हुआ, लॉर्ड्स में, लंदन में। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन था? तो विजेता था वेस्टइंडीज और उप विजेता था इंग्लैंड। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है। आईसीसी का गठन कब हुआ? जी हाँ, आईसीसी का गठन जो हुआ वो दुबई में हुआ 1909 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ग्रेट गोबल थे। भारत ने 2 विश्व कप जीते हैं अब, तो पहला 1983 में कपिल देव के अंतर्गत और 2011 में माननीय श्री महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीता है। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जी हाँ, वेंकट राघवन थे। टेस्ट क्रिकेट सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी जिम लेकर ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। प्रथम विश्व कप क्रिकेट में कप का नाम क्या था? तो वो था प्रेसिडेंशियल कप। ओके, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू। और ये प्रथम क्रिकेट कप्तान भी थे और प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान भी थे, सीके नायडू। उनके नाम पे आज ट्रॉफी भी चलती है, सीके नायडू ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? तो जी हाँ, सलीम दुर्रानी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार किस विश्व कप से शुरू हुआ? 1992 से शुरू हुआ। प्रथम ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? 776 बीसी से शुरू हुआ था ये। कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? ये जावेद मियादाद, पाकिस्तान। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कब हुआ? जी हाँ, यानी कि मॉडर्न ओलंपिक्स की बात कर रहा है ये, तो ये हुआ था 1896 एथेंस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? जी हाँ, लोसान, स्विट्जरलैंड में। आधुनिक ओलंपिक का जनक तथा ओलंपिक ध्वज डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है बैरन कुबर्टिन को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में हुई थी। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली कब? 1913 में। ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? 1920 एटवर्ट ओलंपिक में। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू हुई? एम्स्टर्डम में 1928 में। महिलाओं को ओलंपिक खेल में भागीदारी कब दी गई? जी हाँ, सेकेंड ओलंपिक यानी 1900 विश्व में दिया गया पेरिस से। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? मेरी लीला रो। जी हाँ, भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी मेरी लीला रो और प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने कोई भी ओलंपिक पद जीता वो मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। और वो महिला खिलाड़ी, प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता तो वो थी आई थिंक चीटर लो थी, चार्लोट कपूर। जी, चार्लोट कपूर थी वो। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पे है? जी हाँ, ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला जैसा बताया गया चार्लोट कपूर। ओलंपिक में प्रथम महिला जो कोई भी पदक हासिल की वो कर्णम महेश्वरी। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम महेश्वरी। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक कब शुरू किए गए थे? 1924 में। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? 776 में। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? जी हाँ, वो है सिटिमस, ऑल्टियस एंड फॉर्टियस। ओलंपिक खेलों में प्रयुक्त ध्वज
रंग सफ़ेद पर स्थित पांच रंगीन छल्ले दर्शाते हैं फाइव कॉन्टिनेंट्स को। वो आप देखते हैं फाइव रिंग्स होते हैं, फाइव रिंग्स वो आपको फाइव कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताते हैं। अब इसमें भी बताते हैं कि कौन सा कलर किस तरह का है, किस कॉन्टिनेंट को बताता है, वो भी देख लीजिए। तो पीला और नीला, जी पीला बताता है एशिया को और नीला बताता है यूरोप को। काला बताता है अफ्रीका को और हरा बताता है ऑस्ट्रेलिया को। और लाल जो है वो यूएसए को दर्शाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो हॉकी में थी रिलेटेड, उनका नाम है एन लैम्सडन। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पुरुष कौन सा है? तो भारतीय पुरुष लिएंडर पेस है, टेनिस खेलते हैं वो। सर्वप्रथम भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक मिला था 1928 एम्स्टर्डम में, जी हाँ हॉकी में मिला था। और इस समय के कप्तान कौन थे? जी हाँ, तो वो झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा थे। ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1928 में जो हमारा हॉकी के कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे, और एम्स्टर्डम में ये खेल हो रहा था जिसमें वर्ल्ड कप सॉरी गोल्ड मेडल मिला था भारत को। राष्ट्रमंडल खेलों पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 से शुरू हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। पार्ट टू यहीं पे ख़त्म होता है, अब लेकर के आएंगे पार्ट थ्री जिसमें और भी लगभग 70 क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो सीरीज होगा वो होगा कंप्यूटर पे बेस्ड, यानी कंप्यूटर पे जितने भी एमसीक्यू की क्वेश्चंस होंगे मैं उनको लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू।